this is vandana and you are watching 99.9 .9 engineering station so student today we are going to do a sixth lecture of mass transfer subject so in this lecture we are going to discuss about the mass transfer coefficients and the dimensionless constant for the mass transfer or heat transfer so uh, till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise, you will not get any type of notification from my site And one more important thing is that you have to follow me on Telegram because in Telegram I used to post many important questions, numericals, PDF, short notes, and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without wasting a time, let's get started with the lecture. So in the last, uh, so in the last lecture we have discussed about some numericals uh, on the mass transfer questions and the we have also discussed the theory part of the mass transfer coefficient. From there we derive the relation that the flux is equal to rate into driving force. This is the relation between the uh, mass transfer coefficients that the flux is equal to the rate and driving force. So basically the mass transfer coefficient as I have mentioned in the earlier lecture also that it is a two types. That local and average. In the case of local, it means we concern about the particular area. And for the average, in that case, we concern about the whole system. ठीक है? तो अब हम बात करते हैं mass transfer coefficient निकालने के लिए इसकी help क्यों निकली? क्योंकि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ये आपको मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि डिफरेंट डिफ्यूजिविटी से सिर्फ हमारा जो है काम नहीं चल रहा था दैट्स वाई वी यूज मास ट्रांसफर कोफिशिन लिक्विड और गैसेस के लिए टर्बुलेंट और लैमिनार केस के लिए ताकि हमें जो हो का हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाओ और एकदम प्रिसाइज हमारा कैलकुलेशन हो सके तो अगर हमने पिछले जो कुछ क्लासेस में कपल ऑफ क्लासेस में हमने देखा कि हमने पहले ऑलरेडी ये रिलेशन डराइव कर चुके हैं दैट इज डिफ्यूज़न ऑफ ए इनटू द नॉन डिफ्यूजिंग बी के लिए हमारे पास केस होता था एन बी इज इक्वल टू जीरो मतलब नॉन डिफ्यूजिंग है मीन्स की एन बी इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एन इज इक्वल टू एन ए हो जाता था उस केस के लिए हमने ये रिलेशन निकाला था एन ए इज इक्वल टू डी ए पी पी टी अपॉन जेड आर टी वाई बी एल एम वाई ए माइनस वाई ए टू ये हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं तो इस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में चेंज करें मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू रेट इन टू ड्राइविंग फोर्स तो ये हो गया हमारा फ्लक्स ये हो गया हमारा ड्राइविंग फोर्स ठीक है ड्राइविंग फोर्स तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा रेट हो गया ठीक है रेट कॉन्स्टेंट ये हमारा रेट कॉन्स्टेंट हो गया तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया के वाई अगर हमारा जो मूल फ्रैक्शन जो है अगर हमारा ड्राइविंग फोर्स है तो उस केस में हम जो रेट कांस्टेंट को वैल्यू दे रहे हैं नेम दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम के वाई तो के वाई हमारा क्या हो गया के वाई इज इक्वल टू डी ए बी पी टी अपॉन आर टी वाई बी एल एम जेड ये हमारा जो हो गया के वाई हो गया और ये जो है हम इसका यूनिट जो होगा वो किलोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा ठीक है तो ये हमारा के वाई कॉन्स्टेंट हो गया इसकी वैल्यू होगी इसी तरीके से हम प्रेशर और कंसंट्रेशन के लिए भी निकाल सकते हैं इसको अभी यहाँ पे रुकते हैं उससे पहले हम इक्वीमोलर कंडीशन के लिए देख लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं तो इक्वीमोलर कंडीशन भी आपको मैंने पढ़ाया था इक्वीमोलर को भी हमने ये वाली इक्वेशन हमारी डराइव होकर आई थी दैट इज एन ए इज इक्वल टू डी ए बी पी टी अपन आर टी जेड और वाई ए वन माइनस वाई ए टू ठीक है तो ये मोल फैक्शन के टर्म्स में है तो इस केस में क्या मैं बता रही हूँ आपको कि जो हमारा जो यहाँ पे हो गया हमारा ये फ्लक्स ठीक है ये हो गया रेट ये हो गया ड्राइविंग फोर्स ठीक है ड्राइविंग फोर्स तो हमारा इट मीन्स जो हम इक्विमोलर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है के वाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में के वाई डैश जो हो गया इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के केस में हो गया डी ए बी पी टी अपॉन आर टी जेड ठीक है ये हो गया अब हम अगर इसको ये वाला टर्म पी टी टर्म जो है ये पी टी जो इस ब्रैकेट में इंटू कर दें इस पी टी अगर ब्रैकेट में इंटू कर लें तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा मतलब प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा उस केस में ये इस तरीके से हो जाएगा ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी पी टी वाई ए वन माइनस पी टी वाई ए टू तो ये हो जाएगा पी पी वन माइनस पी टू मतलब ड्राइविंग फोर्स ये हो गया तो उस केस में जो हमारा के जो रेट होगा वो हो जाएगा के जी डैश इज इक्वल टू डी ए बी अपॉन आर टी से ठीक है कोई डिफिकल्टी है बस हमने पीटी को रिमूव करके ब्रैकेट में अंदर कर दिया तो ये वाला टर्म हमारा कहलाएगा के जी डैश दैट इज डी ए बी अपॉन आर टी जेड इसी तरीके से अगर हम पूरे टर्म को सिर्फ डिफ्यूजिबिटी और जेड को छोड़ के यानी पी टी अपॉन आर टी को इससे इंटू कर दें तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन के टर्म में हो जाएगा के डैश सी को हम लिख सकते हैं डी ए बी अपॉन जेड तो ये जो होगा कंसेंट्रेशन के टर्म्स में जो हमारा रेट कॉन्स्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा डी ए बी अपॉन जेड तो कंसंट्रेशन डैश इक्विमोलर काउंटर कंटेंट के लिए तो के सी डैश इज इक्वल टू डी ए बी अपॉन जेड अब हम लिक्विड और गैसेस के लिए भी देख लेते हैं जैसे तो अभी तक हमने गैसेस के लिए देखा अब हम बात करते हैं लिक्विड के, के केस में तो लिक्विड केस में डिफ्यूजन ऑफ ए इंटू नॉन डिफ्यूजिंग बी होगा तो उस केस में हम कंसंट्रेशन टर्म नहीं लेते हैं प्रेशर टर्म नहीं लेते हैं तो उस केस में क्या लेते हैं एन ए इज इक्वल टू डी ए बी अपॉन जेड एक्स बी एल एम रो अपॉन एम एवरेज एक्स x इन टू एक्स ए माइनस एक्स ए टू तो उस केस में क्या हो गया हमारा जो के एक्स जो हो गया वो ये टर्म हो गया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड हो गया तो के एक्स जो हो गया हमारा हो गया डी ए बी अपॉन जेड एक्स बी एल एम रो अपन एम एवरेज ठीक है तो ये हमारा रोटम हो गया अब प्रेशर वाले केस में मैंने बताया लिक्विड के केस में हम प्रेशर का केस नहीं लेते हैं क्योंकि जो लिक्विड होता है हम जनरली कंसिडर करते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता है तो डैट्स वाई वी यूज डू नॉट यू सॉल्व फॉर द प्रेशर तो तो सिमिलर तो सिमिलरली कंसनटेंटेशन के टर्म में के सी डी ए आ, बी अपॉन डेल एक्स डी बी एम हो जाएगा ठीक है बी एल एम एम हो जाएगा तो ये टर्म्स इस तरीके से के सी हो गया ये के एक्स हो गया अब जो है ये मैंने बताया फॉर लिक्विड के केस के में डिफ्यूजन ऑफ ए इंटू द नॉन डिफ्यूजिंग केस अब इससे पहले मैं आपको नॉन डिफ्यूजिंग के केस में सिर्फ किसका बताया था मैंने सिर्फ मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बताया था अगर हम गैसेस के टर्म्स में लें तो वो रिलेशन इसको कंबाइन करके क्या हो जाएगा के सी इज इक्वल टू आर टी के जी और के वाई इज इक्वल टू पी टी के जी ठीक है तो ये भी दो टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास फॉर लिक्विड के लिए के एक्स इज इक्वल टू अब अब लिक्विड के लिए नॉन डिफ्यूजिंग के लिए ही है पी के लिए लिक्विड के लिए वो हो जाएगा KX is equal to rho upon M average के एक्स इज इक्वल टू रो अपॉन एम एवरेज के सी तो ये हमने कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट के जो रिस्पेक्ट में सारी सारी चीज़ें मतलब उन दोनों को रिलेशन करते हुए लिख लिया देखिए यहाँ पे सब रेट कांस्टेंट के टर्म्स में है तो फॉर गैसेस के लिए फॉर लिक्विड के लिए हमने उसका को निकाल लिया तो ये सारी चीज़ें थी बात थी मास ट्रांसफॉर कोफिशियन किस तरीके से लिखा जाता है गैसेस के लिए क्या होता है लिक्विड के लिए क्या होता है कंसनट्रेशन क्या के रिस्पेक्ट में क्या होता है मोल के रिस्पेक्ट में क्या होता है प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या होता है तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कैसे फॉर्मूले में से हमें फ्लक्स uh, के फॉर्मूला फ्लक्स इज इक्वल टू रेट इन टू ड्राइविंग फोर्स से हम किस तरीके से एनालाइज करके निकाल के उसमें से हम रेट कांस्टेंट uh, को रिमूव करते हैं और उसको एक सेपरेट नेम देते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी अब बात करेंगे डायमेंशन डेस्ट नंबर की लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर के फोर ईयर्स और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में अब देखिए हीट ट्रांसफ़र में फोर लॉ क्या कहते हैं क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स ठीक है ये हमारा फोर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है तो इसमें क्या हो गया रेट ऑफ हीट क्या होगा अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस हो जाता है दैट इज डेल्टा टी अपॉन एक्स अपॉन के ए तो ये हमारा ड्राइविंग फोर्स रेट ऑफ हीट हीट ट्रांसफ़र के टर्म्स में हो गया इसी तरीके से अगर हम कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो हम इसको मतलब रीअरेंज करके किस तरीके से हम उस uh, एक इक्वेशन को लिख सकते हैं वो मैं बताना चाह रही हूँ ठीक है तो क्यू इज इकल टू एच ई डेल्टा टी तो ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र हो गया तो हम इसको अगर ड्राइविंग फोर्स अपॉन रजिस्टेंस के टर्म में लिखें तो डेल्टा टी अपॉन वन अपॉन एच ए जो हो गया वो कंडक्ट कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के टर्म्स में हो गया अब इस ये दोनों तो लॉ हो गया अब हमारे पास दूसरा टर्म आता है थर्मल डिफ्यूजिबिटी तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया हमने और उसका रेशियो होता है के अपॉन रो सी पी ये थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है ये भी एक डायमेंशनल नंबर डायमेंशनल नंबर नहीं है ये क्या होगा ये डिफ्यूजिबिलिटी है किसकी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है ठीक है तो हीट ट्रांसफर के केस में यह हमारा थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इसी तरीके से मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी होती है और मास डिफ्यूजिबिलिटी होती है और इन तीनों की यूनिट जो होती है वो सेम होती है दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो ये आ, सारी जो यूनिट्स हैं इनकी सेम है और ये सारी ही एक है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी हीट ट्रांसफर में डिफ्यूजिबिलिटी एक है मोमेंटम फ्लूड में मोमेंटम डिफ्यूसिबिलिटी जिसको हम लोग न्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं और जो तीसरा है मास ट्रांसफर डिफ्यूजिबिली दैट इज डी ए बी जो हम मास ट्रांसफर यूज करते हैं और इसकी भी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है तो ये थे उसके बारे में अब बात करते हैं डायमेंशनलेस नंबर की तो हीट ट्रांसफर की और मास ट्रांसफर के दोनों ही डायमेंशनलेस जो है उनके बीच में मैं एनोलॉजी बताऊंगी तो हीट ट्रांसफर में ज़्यादातर जो हमारा जो एनोलॉजी बताऊंगी मैं जिसमें नसट प्रांटक और रिनॉल नंबर में अब जो रिनॉल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर में दोनों ही सेम होता है अब सेम होता है तो इसका मतलब क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है रिनॉल नंबर इज़ दी इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स यानी कि रो वी डी अपॉन म्यू जो रिनॉल नंबर का जो फॉर्मूला होता है डायमेंशनलेस नंबर का वो होता है रो वी डी अपॉन म्यू अब जो मैं डायमेंशन लेस नंबर की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है ये डायमेंशन लेस नंबर होते हैं अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफॉर्म नसेट नंबर की जो नसेट नंबर होता है वो रेशियो होता है कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स टू दी हीट फ्लक्स फॉर कंडक्शन कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स हमारा कौन सा हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे H डेल्टा T अपॉन के एल डेल्टा T तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास नसट नंबर जो होगा वो हो जाएगा एच एल अपॉन के और K जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी को तो ठीक है तो हीट ट्रांसफर में नसट नंबर जो हो गया वो हो गया रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच एल बाय के से अब हम मास ट्रांसफर की बात करें मास ट्रांसफर की बात करें तो उसमें हम जो नंबर लेंगे वो लेंगे शेयरबोर्ड नंबर जो कि रेशियो होता है कन्वेक्टिव मास फ्लक्स टू द मास फ्लक्स ऑफ मोलिकुलर डिफ्यूज़न तो ये इस केस में हमारा जो शेरवुड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा के एल जेड बाई डी ए बी तो ये जो फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला जो है वो ऑलमोस्ट रिजेंबल कर रहा है एक दूसरे से मतलब कि जो शेरवुड नंबर जो हीट ट्रांसफर का है वो हीट ट्रांसफर शेरवुड नंबर जो मास ट्रांसफ़र का है वो हीट ट्रांसफ़र के नसल नंबर से एनालॉजी पे रखता है ठीक है तो इन दोनों के बीच में एनालॉजी है अगर हम जो बाद में अभी मैं एक रिलेशन भी बताऊंगी तो वो हीट ट्रांसफर के लिए जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं तो उसमें जो डाइमेंशनलेस नंबर है सिर्फ उसको रिप्लेस करके मास ट्रांसफर के लिए रिलेशन निकाल लेते हैं किस तरीके से वो मैं बता रही हूँ तो अभी आप सिर्फ ये देखिए हीट ट्रांसफ़र नसट नंबर हम इस रेशियो को कहते हैं और मास ट्रांसफर इस रेशियो को हम कहते हैं शेयरवुड नंबर अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्रेंटल नंबर इन हीट ट्रांसफर इट इज़ अ रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी टू थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इट्स मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी इज न्यू अपॉन रो दैट इज वी कॉल एज अ न्यू एंड अपॉन थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज के अपॉन रो सी सो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं क्या प्रेंटल नंबर इज इक्वल टू म्यू सी पी बाय ठीक है अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर से आ, में हमने बात कर लिया अब नंबर पे अब हम बात करते हैं मास ट्रांसफर स्केचमिट नंबर पे तो स्केचमिट नंबर इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी अपॉन द मोलिकुलर डिफ्यूजिबिलिटी तो अगर हम इसका रेशियो लिखें तो मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी म्यू अपॉन रो एंड द मोलिकुलर डिफ्यूजिबिलिटी इज डी तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं न्यू डी बाई डी ठीक है न्यू बाई डी ठीक है तो ये एनालॉजी इन दोनों के बीच में होगी फ्रेंटल नंबर और किसके बीच में स्केचमिट नंबर में दोनों हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में फिर अगेन हम बात करते हैं स्टेंटल नंबर हीट ट्रांसफर के लिए वो होगा कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स अपॉन हीट फ्लक्स ड्यू टू बल्क फ्लो कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स अपॉन हीट फ्लक्स ड्यू टू बर्ब फ्लो तो इसका हम अगर हम आ, रिलेशन बताएं क्योंकि हम लोग आ, पहले ही नसड नंबर रिलॉन नंबर प्रेंटल नंबर निकाल चुके हैं तो स्केचमिट नंबर हम उन्हीं के टर्म्स में लिखते हैं ठीक है तो स्केच स्केच, स्केच, स्केच स्टेंटेड नंबर हम उन्हीं के टर्म्स में लिखते हैं ठीक है तो स्टेंटन नंबर हीट ट्रांसफर के लिए क्या, क्या क्या के बीच में रेशियो हो जाएगा नसड नंबर अपॉन रिलॉन नंबर और प्रेंटल नंबर का रेशियो हो जाएगा ये हो गया अब मास ट्रांसफर में भी हम स्टेंटल ही कहते हैं लेकिन ये मास ट्रांसफर ये रिस्पेक्ट में तो इसमें कन्वेक्टिव मास फ्लक्स अपॉन फ्लक्स ड्यू टू बल्क फ्लो होगा तो इस चीज में हम लोग जहां पे हम यहां नसेट नंबर लग सकते लिख रहे थे तो नसेट नंबर का एनालॉजी किसके साथ है शेरवुड नंबर है मास ट्रांसफर में तो हमने शेरवुड नंबर लिख दिया अब रेन नंबर <coughs> रिनॉल नंबर दोनों में सेम है तो रिनॉल नंबर ही हमने लिख लिया अब साथ में प्रेंटल नंबर जैसे मैंने यहाँ बताया प्रेंटल नंबर मास ट्रांसफर किस में किसके साथ एनालॉजी में स्केचमिट नंबर पे तो हमने यहाँ पे स्केचमिट नंबर लिख दिया तो स्टेंटल नंबर मास ट्रांसफर में हो गया रेशियो किस किस के बीच में शेयरवुड नंबर अपॉन रिनॉल नंबर इंटू स्केचमिट नंबर ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैकेलेट नंबर हीट ट्रांसफर के लिए तो ये रेशियो हो गया हीट ट्रां हीट फ्लक्स ड्यू टू द बल्ब फ्लू अपॉन फ्लक्स ड्यू टू द कंडक्शन ठीक है तो ये रिनॉल नंबर और प्रांटल नंबर के टर्म्स में क्या हो जाएगा पैकेलेट नंबर इन ही केस ऑफ हीट ट्रांसफर इट इज़ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिनॉल नंबर एंड प्रांटल नंबर ठीक है अब मास ट्रांसफर की बात करते हैं तो मास ट्रांसफर में पैकेलेट नंबर जो हो जाएगा वो होगा फ्लक्स ड्यू टू बल्ब फ्लो अपऑन डिफ्यूजन फ्लो डिफ्यूजन फ्लक्स तो उसके इसमें प्रांटल नंबर हमारा हो जाएगा रिनाल नंबर इन टू स्टेंटल नंबर का एनालॉजी किसके साथ है स्केचमेट नंबर के साथ तो स्केचमेट नंबर तो इस तरीके से हम एनालॉजी पहले हमें यहाँ तक जो हमने एनालॉजी दोनों के बीच में पढ़ी फिर इसका और इसका एनालॉजी हो गया इनका और इनका एनालॉजी हो गया तो ये सारे टर्म्स हमें याद रखने ही ट्रांसफर मास ट्रांसफर में किस तरीके से एक दूसरे को एनालॉजी रखते हैं और उसके बाद जो स्टेंटल नंबर है और टैक्लेट नंबर जो है हमने क्या किया इन सारे आगे के जो हमने डायमेंशनल नंबर पड़े उसके रिस्पेक्ट में हमने आ, उसको लिखा है मतलब सेपरेट नहीं लिखा है प्रॉपर्टीज के टर्म्स में नहीं लिखा हमने किसके उसमें डायमेंशन लेस नंबर के ही टर्म्स में लिख दिया अब जो हम बात करेंगे तीन से चार हमारे पास को रिलेशन है जो हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर में है लेकिन वो जो है हम उसको कन्वर्ट करके हम मास ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे ठीक है now we talk about these some correlations like first one is the laminar flow through a circular tube in this heat in the case of heat transfer this equation is called chilton corman equation but in the mass transfer we write it as sherwood number is equal to 62 renal uh, into sketchmate number d by l और ये रेंज इसका की पावर वन बाई थ्री और इसकी रेंज जो होती है वो रिनॉल नंबर स्मॉलर देन ट्वेंटी वन हंड्रेड होती है अगर हम इसको हीट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में लेके तो शेयर के बदले क्या हो जाएगा हमारा नसड नंबर हो जाएगा और स्केचमुड के न... जगह पे हमारा क्या प्रेंटल नंबर हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर में कोरिलेशन्स निकालते हैं इसी तरीके से टर्बुलेंट फ्लो के लिए सेकेंड uh, कोरिलेशन है जो कि हम हीट ट्रांसफर में डिटर्स बोल इक्वेशन बोलते हैं उसको क्या है वो टर्बुलेंट फ्लो थ्रू अ ट्यूब के लिए जो कि रिनॉल नंबर रेशियो जो होता है फोर थाउजेंड स्मॉलर देन इक्वल टू से लेके कर सिक्सटी थाउजेंड रिनॉल नंबर तक होता है उस केस में शेरवुड नंबर इज इक्वल टू पॉइंट जीरो टू थ्री रिनॉल टू पावर पॉइंट एट एट स्केचमिट टू पावर वन बाई थ्री होता है उस केस में इसमें भी जो शेयरवुड को हम रिम आ, रिप्लेस करके हम हीट ट्रांसफर केस में नर्सेट नंबर लिख सकते हैं रिनॉल नंबर कॉमन होता है स्केचमिट के नंबर हम टाइप में हम ट्रेंटल नंबर यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है लिक्विड फ्लो थ्रू अ पैट पैक पैक्ट uh, बेल्ट उसमें रिनॉल नंबर का जो रेशियो रेंज uh, होता है वो होता है थ्री टू थाउजेंड और शेरवुड जो नंबर जो हो जाता है वो इक्वल हो जाता है टू प्लस वन पॉइंट वन रिलॉल नंबर टू पावर जीरो पॉइंट सिक्स कैचमेंट जीरो पॉइंट थ्री थ्री ये रिलेशन हो जाता है नेक्स्ट फोर जो इक्वेशन हो जाता है फ्लो पास सिंगल स्पेयर उस केस में जो शेरवुड नंबर जो होता है वो होता है टू प्लस जीरो पॉइंट टू जो लास्ट शेयरबुट नंबर जो होता है वो टू प्लस जीरो पॉइंट थ्री फोर सेवन रिनॉल नंबर स्केचमिट नंबर जीरो पॉइंट फाइव टू आवर जीरो पॉइंट सिक्स टू रहता है इन दिस केस अगर हम लोग फ्लूट फ्लूट को सॉरी फॉर दैट फ्लूट को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं मतलब स्टेगनेंट uh, लेते हैं तो उस केस में रिनॉल नंबर जो होगा हमारा ज़ीरो हो जाएगा अगर रिनॉल नंबर ज़ीरो हो जाएगा तो ये होल टर्म ज़ीरो होगा फिर उसकी वजह से ये भी टर्म जीरो हो जाएगा तो हमारा फाइनली शेयर वो नंबर जो है टू मिल जाएगा तो इस तरीके से आपको पूरा को याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके बेस्ड पे हम कल नूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे नोमेरिकल्स के थ्रू आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशनस नंबर बहुत इजी है बस इसको मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके पे न्यूमेरिकल्स बहुत आ जाते हैं ठीक है थीके? तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को टिल देन थैंक यू एंड हैवे अ नाइस डे